को दीदी बहनी नील वस्त्र बनाएर हजारों को भीड़ में नांगो नाच नचाइयो प्रजातांत्रिक नारी शक्ति केन्द्रीय समिति को तत्वावधान में आयोजित मणिपुर में 4 मई को दिन जो अमानवीय घटना घट्यो त्यसको विरोध में राखिएको यस रैली अनि पथ सभा का सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय अनि आजको यस विरोध प्रदर्शनलाई सफलीभूत पार्न हेतु उपस्थिति दिनुहुने पार्टी का महासचिव आदरणीय अमर लामाज्यू उसरी नै मेरो संपूर्ण दीदी बहिनीहरु जो आहत छन् पीडाले छटपटाई राखेका छन् मणिपुरमा आफू सरह दीदी बहिनीहरुलाई आफू सरह नारीहरुलाई हजारौंको भीडले निष्पक्ष निर्वस्त्र पारेर उपस्थित दिएका सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट अभिवादन जनाउन चाहन्छु। गोली बारूद और हथियार तो बहुत है, गोली बारूद और हथियार तो बहुत है, बस एक रोटी से दूरी है, बस एक रोटी से दूरी है। बापू अगर आज जिंदा होते तो जरूर कहते सत्याग्रह कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है। शायद मणिपुर का आज छटपटा ने छटपटाएगा मेरे दाजु भाई दीदी बहनी ये कुरा गंदे होला सोचते होला 56 इंच को सीना छत्ती बोके को देश को प्रधानमंत्री को अगुवाई में जसले शायद एक महीना अगाड़ी होला अमेरिका को पार्लियामेंट में भाषण दिए भन्दै थिए भारत को डीएनए में लोकतंत्र छ, भारत को खून में लोकतंत्र छ, हामी तो संविधान को हिसाब से चल्छौ। मेरो सोच र मेरो विचार तो सबको साथ सबको विकास भनेर भाषण दिदै थिए। कत्तो नाविश्वस्त कुरा देश को प्रधानमंत्री एक तरफ लोकतंत्र को कुरा गर्छ, एक तरफ एक पक्ष एक पक्ष कुरा गर्छ, राम मंदिर को कुरा गर्छ, अर्को तरफ नारी को चीर हरण भएको देखेर पनि अनदेखा गरेर अन्धो भएर गुंगा भएर बसिराखेको देख्दा आज हामी संपूर्ण नारीहरूले यो विरोध प्रदर्शन गर्न बाध्य बनेका हौ।
म जस्तो दिदी बहिनीहरूलाई निर्वस्त्र बनाएर हजारौंको भीडमा नाङ्गो नाच नचाइयो। यो घटना मणिपुरमा घट्यो, हाम्रो शोक संवेदना छ, मणिपुर सीमा हामी साथमा छौं, तर सँगसँगै यो घटनाले हामीलाई के मेसेज दिइराखेको छ भन्दा जबसम्म भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार रहन्छ, यो सरकार रहन्छ, देशको कुनै पनि कुनामा नारीहरू सुरक्षित छैन रहेछ भन्ने प्रमाण मणिपुरको घटनाले दिइराखेको हामीले महसुस गर्दैछौँ। बिदा लिन चाहन्छु।